अल्लाह डियर स्टूडेंट्स माई स्टूडेंट्स आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है 2023 से वो चेंज होने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर जो आपके पेपर होने जा रहे हैं वो तीन हिस्सों में डिवाइड है आपका जो पेपर पैटर्न है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया पहला आपका जो पोर्शन होगा उस वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा दूसरे में कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होंगे और तीसरे में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे मींस पेपर पैटर्न डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज नंबर वन इज अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस नंबर टू इज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लॉजिकल क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चंस जिनको आप कहते हैं एंड नंबर थ्री इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अब इनकी तरतीब समझें कि नॉलेज बेस्ड में कैसे क्वेश्चन होंगे कंसेपचुअल कैसे होंगे और आपके जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो क्वेश्चन कैसे होंगे मतलब अब रट्टा सिस्टम खत्म हो चुका है रट्टा सिस्टम वाला बच्चा अब कामयाब नहीं होगा अब वो बच्चा कामयाब होगा जो नॉलेज बेस्ड के हिसाब से भी तैयारी करेगा कंसेप्चुअल तैयारी भी करेगा और एप्लीकेशन बेस्ड तैयारी भी करेगा अदरवाइज साइंस सब्जेक्ट्स में पूरे नंबर लेना बहुत मुश्किल हो गए आप सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट परसेंट तक तो जाएंगे लेकिन फिर हंड्रेड परसेंट तक नहीं जाएंगे और आपके साइंस सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको हंड्रेड परसेंट नंबर देते हैं तो सबसे पहला जो हमारा है वो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सपोज टू भी आपसे पूछा गया हेमोग्लोबन डिफाइन मैस्पेक्टोमीटर डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट या डिफाइंड एक्चुअल थ्योरेटिकल यूल्ड इस किस्म के जो क्वेश्चन हैं वो नॉलेज बेस्ड है मतलब किस किस्म के क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड है जैसे वो कह देते हैं एक्चुअल यूल्ड क्या है ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है या नेम्स ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस के उन स्टेप्स के नाम बताएं जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल होते हैं या फर्ज करें प्रूव करें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या साबित करें डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी डियर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस जो भी होंगे वो होंगे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस मतलब आपका नॉलेज चेक किया जाएगा कि आप कितने के परसेंट जो है वो चैप्टर प्रिपेयर है टॉपिक आपको प्रीपेयर है ऐसे क्वेश्चन जो है माई डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन मसलन डिफाइन बॉय ला इट्स रिलेशन या डिफाइन चार्लिस ला डिराइव इट्स रिलेशन राइट अ फ्यू पॉइंट ऑफ काइनेटिक मॉलिकुलर थी डिफाइन प्लाज्मा हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म वेयर प्लाज्मा इज फाउंड ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो नॉलेज बेस्ड हैं अब आ गया दूसरा पार्ट दूसरे पार्ट में आपके पास क्वेश्चन आएंगे लॉजिकल क्वेश्चन पहला नॉलेज बेस्ड था और दूसरा जो हमारे पास बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है लॉजिकल जो जिसमें आपको प्रॉपर क्या देना होगा रीजन देना होगा ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रीजन बेस्ड है जिनमें रीजन दिया जाएगा मिसाल के तौर पर अब लॉजिकल क्वेश्चंस कौन से होंगे फर्ज करें आपको क्वेश्चन आ गया जी वाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड देखें ये लॉजिकल क्वेश्चन है एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड कि जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होता है कम होता है वाई ये जो क्वेश्चन है ये है नॉलेज बेस सॉरी ये है लॉजिकल बेस रीजन पे जो है ये यहां पे आपको रीजन देना होगा मिसाल के तौर पर और सवाल आप कर ले जैसे जस्टिफाई दैट मैनी केमिकल रिएक्शंस आपने जस्टिफाई करना है कि बहुत से केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट मसलन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपने जस्टिफाई करना है रीजन देनी है कि बहुत से केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो हमारे माहौल में रोजमर्रा जिंदगी में हम करवा रहे हैं जिनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो ये कौन से क्वेश्चन है जो लॉजिकल है या वाई आइसोटो है वाई सेम टू सेवन थ्री ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्या है लॉजिकल हैं या हाइड्रोजन एंड हीलियम आर आइडियल एट रूम हीचर ये भी क्या है लॉजिकल क्वेश्चन है मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो लॉजिकल हैं यहां पर आपको लॉजिक देना होगा या yeah. देखें वाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप वाई फलोरिन इज अ गैस एंड आयोडीन इज अ सोलिड वाई एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर ईच अदर क्लोरोज इज कूलिंग जस्टिफाई

क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स और आखिरी चीज जो है वो जरा गौर से देख लें ये तो हो गया हमारा लॉजिकल जो तीसरा पोर्शन आपका बनने जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चीज है ना बुक से जरा हटके है मतलब मेरे ख्याल में बुक्स में ये बहुत कम है बहुत कम लिखा होता है जो आपका तीसरा बनने जा रहा है तीसरा है माय डियर स्टूडेंट्स आपका एप्लीकेशन बेस्ड ये यहां पे आके थोड़ा सा मसला बनेगा बच्चों को चलो लॉजिकल तो कहीं ना कहीं से टीचर करवा ही लेंगे एप्लीकेशन बेस्ड के लिए बड़ी मेहनत है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फर्ज करें आपसे पूछा जा सकता है राइट यूज ऑफ कंबस्टन एनालिसिस इंपॉर्टेंस ऑफ कंबस्टन एनालिसिस कि आप कंबस्टन एनालिसिस की इंपॉर्टेंस लिख दें हमें कंबस्टन एनालिसिस का क्या फायदा है हमें फिल्ट्रेशन का क्या फायदा है हमें सबलीमेशन का क्या फायदा है हमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का क्या फायदा है ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड है कि राइट यूज राइट एप्लीकेशन राइट इंपॉर्टेंस ये वो क्वेश्चंस हैं जो नॉलेज बेस्ड भी नहीं है जो लॉजिकल रीज़न बेस्ड भी नहीं है दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मतलब आपने जो टॉपिक करना है ना आपने कहीं ना कहीं से उसका उसकी एप्लीकेशन उसका यूज उसकी इंपॉर्टेंस निकाल लेनी मैं एक जर्नल सी बात कर रहा हूं उसने कहा जी राइट यूज ऑफ कंबस्टन एनालिसिस अब बुक में किसी भी जगह पे इसको अलहदा से एक्सप्लेन नहीं किया गया अब कंबस्टन एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया अब आप क्या करें अब आप ये करें आप उसे बताएं कि कंबस्टन एनालिसिस To determine percentage composition. हम इससे क्या 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 निकाल निकाल सकते है? percentage composition निकाल सकते हैं हैं। तो ये इसकी क्या है? Applications है. ये इसकी है ऐसा था था था। जो उम्मीद आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो हमारे कितने किस्म के हैं जी तीन किस्म के कौन कौन से हमारे पास बन रहे हैं हमारे पास आएंगे knowledge -based question या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या कंसेप्चुअल ये तीन चीजें मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं कौन कौन सा हमने डिस्कस किया जी नॉलेज बेस्ड क्या है एप्लीकेशन बेस्ड क्या है और कंसेप्चुअल बेस्ड क्या है ये है आप लोगों का पेपर पैटर्न 2023 माय डियर स्टूडेंट्स 2023 का पेपर आसान नहीं होगा टफ होगा आज मैं ये कह दूं कि वो बड़ा आसान पेपर होगा तो ये गलत है मैं कथन ऐसा नहीं कहूंगा कि 2023 में या नेक्स्ट आने वाले डेज में जो आपके पेपर्स हैं वो इजी आएंगे आपको वर्क करना है हार्ड वर्क करना है फोकस ऑन योर डिस्टिनेशन एंड कीप वर्किंग ऑन इट मेहनत करें विश यू ऑल द बेस्ट गॉड ब्ले